हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मन्नू न्यूजीलैंड। और आज हम इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि न्यूजीलैंड अपने बॉर्डर कम्प्लीटली कब ओपन कर सकता है। तो काफ़ी लोगों के कमेंट, मेरे को बहुत से लोगों के कमेंट आ रहे थे कि भाई बताओ हमें कब खुलेगा न्यूजीलैंड का बॉर्डर, कब स्टूडेंट्स को वो बुलाएंगे, कब सब कुछ जाके नॉर्मल होगा। तो गाइज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखना, शायद आपको इस वीडियो में आपका आंसर मिल जाए। कल हमारी जो प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ पे जसिंडा आर्डन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मीटिंग करी थी। उसमें उन्होंने कुछ अपने व्यूज़ रखे हैं बॉर्डर क्लोजर से रिलेटेड, क्योंकि अब क्या हुआ है, अभी एक दो दिन पहले फिर से एक कम्युनिटी में साउथ अफ्रीकन जो वेरिएंट है, जो मोस्ट डेंजरस कोविड, मोस्ट डेंजरस वाला जो है वायरस, वो फिर से आ गया कम्युनिटी में। तो इन्होंने अब फिर से बॉर्डर क्लोज रखने का ही फैसला किया है, जो कि ऑफ कोर्स बैड न्यूज़ है फॉर एवरीवन। तो इतनी आसानी से ये बॉर्डर नहीं खोलने वाले हैं, इसमें इस साल तो बिल्कुल भी नहीं खोलने वाले हैं, ऐसा कहा है इन्होंने। फुल्ली बॉर्डर जो है वो नहीं खुलेगा, जैसे कि ओपन हो गया था ना, जैसे कि पहले था कोविड से पहले, वो चीज़ अभी फिर से इस साल नहीं होगी, ऐसा जसिंडा आर्डन ने बोला है, हमारे जो यहाँ की प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है। क्या स्टोरी क्या है इसके पीछे, वो मैं आपको स्टेप टू स्टेप क्लियर करता हूँ क्या स्टोरी है। तो गाइज, इन जो फेजर वैक्सीन है, सबसे पहले लगाएंगे अपने बंदों को प्रोटेक्ट करने के लिए, जैसे कि जो मोर डेंजरस जोन में काम कर रहे हैं, जैसे कि जो उसमें काम कर रहे हैं, अपना क्वारंटीन फैसिलिटी में काम कर रहे हैं, उनको एयरपोर्ट पे काम कर रहे हैं, तो जो मोस्ट लाइकली टू बी इफेक्टेड हो सकते हैं ना, उन लोगों को ये सबसे पहले वैक्सीनेट करेंगे। और उसके बाद ऐसा जसिंडा आर्डन ने बोला है कि मिड ऑफ दिस ईयर ये अपने सारे लोगों को जो न्यूजीलैंड में रहते हैं उनको ये वैक्सीनेट करना शुरू करेंगे। तो गाइज, अब 5 मिलियन लोग यहाँ पर रहते हैं, तो गाइज 5 मिलियन लोगों को वैक्सीनेट करने में ऑब्वियसली 6 to 7 months या 8 months तो लगेंगे ही लगेंगे। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि ये नेक्स्ट ईयर पे जाएगी अब गेम, 2022 में जाके ये शायद अपने बॉर्डर जो है वो ओपन करेंगे, जब इनकी यहाँ की पूरी पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट हो जाएगी, उसके बाद जाके ये कहीं कम बॉर्डर जो है वो ओपन करेंगे। तो गाइज फिलहाल ये ऐसे ही ऑपरेट करेंगे, जैसे जो कोविड फ्री कंट्री हैं उनके साथ जो ट्रैवल बबल है इनका वो ऐसे ही चलेगा, जैसे कि काफ़ी कंट्रीज हैं जहाँ पे अभी तक कोविड नहीं है, जैसे अपना ऑस्ट्रेलिया होगी, तो और भी छोटी मोटी जो आसपास आइलैंड लगते हैं न्यूजीलैंड के, तो गाइज उनके साथ इनका ट्रैवल बबल जो है वो ऐसे ही चलता रहेगा, उनके साथ ऐसे ही ऑपरेट करते रहेंगे। तो और जिन कंट्रीज़ में अभी है कोविड, अभी पूरा कोविड है, तो उन कंट्रीज़ के साथ अभी ये मतलब क्वारंटीन फ्री नहीं करेंगे, अपना बबल शेयर नहीं करेंगे, दे हैव टू स्टे इन द MIQ फैसिलिटी हेयर, तभी जाके उनको रिलीज़ करेंगे, तभी जाके वो मतलब अभी उनके लिए कम्प्लीटली ओपन नहीं होगा। तो गाइज इफ़ यू फाइंड दिस इंफॉर्मेशन यूजफुल, देन प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स। थैंक यू गाइज।